तो आपका पादू में भी कुछ सेक्शन ऑफ पादू जो है बगुम को नहीं मानता है, तो आप लोग कुछ सेक्शन ऑफ पादू जो है बगुम को मानता है, तो लेकिन इसमें जो है देखने वाला भी कंफ्यूज रहता है क्योंकि कौन सा पादू बगुम है कौन सा पादू बगुम नहीं है, इसमें आपका क्या कहना है? आपका यहाँ में हम देख रहा है पादू में एक ही फैमिली से बाई जो है एक बाई बगुम में चला गया, एक बाई जो है बगुम को नहीं मानता है, तो पिताजी बगुम को नहीं मानता है, बच्चा बगुम को मानता है, कोई कोई इसे है, आप बुरा मत माने, इसमें आपका नमस्कार। आप सभी को अरुणाचल वेस्ट न्यूज में स्वागत करता हूँ। आज अरुणाचल वेस्ट न्यूज टीम आए हैं यहाँ दारका गांव में, जैसे कि आप देख रहे हैं दारका गांव में यहाँ बगुम लेने जहाँ में बनाया है वहाँ पे हम करा है इस वक्त। इस साल दारका पादू वेलफेयर सोसाइटी जो है 35th बगुम और फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ आज आए हैं, तो हम यहाँ के पादू के जो जो बगुम पादू है उनके जो अथॉरिटीज हैं उनसे मैं दो शब्द जानने की कोशिश करेगा। आज यहाँ कितने लोग आए हैं और क्यों इस तरह का जो है बगुम डे मना रहे हैं? आप बने रहिए अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के साथ। सबसे पहले आप सभी को अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो आप एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने से ठीक रहेगा। मैं डॉक्टर केजम पादू, मैं जो है हम लोग का दारका पादू वेलफेयर सोसाइटी जो है उसका हम मैं सेक्रेटरी है। ये सेकेंड टेन्योर है मेरा। मैं 2017 से 2020 तक, अगेन 2020 से ये 2023, तो हम ये आज हम लोग का पोर्टफोलियो भी चेंज होगा, तो ये मेरा सेकेंड टर्म है। तो नौका में इंजीनियर गजम पादू नौ एक्टिंग प्रेसिडेंट है DPWS लोग ही नौ का फर्स्ट टर्म है। थैंक यू। नौकाम ने मिंजम पादू नौ दारका पादू वेलफेयर सोसाइटी लोग जॉइंट सेक्रेटरी है। थैंक यू। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आप बताइएगा या आज का इस सेलिब्रेशन का विषय में दो शब्द आप बताइएगा। ऐसा है कि हम लोग जो बगुमो फाउंडेशन है ये 1988 में फर्स्ट इसका फाउंडेशन जो दे है मतलब इसका नींव रखा गया था ये 1988 में लिकावाली में जो है जितने भी बगुम क्लैन है वहाँ पे गेदर होके बगुम को ऑर्गेनाइज किया। तब से लेके बगुम आउ फाउंडेशन जो है टाइम टू टाइम जैसे आपका कोयू में लिरमोबा में और आपका जैसे ससिलिकर में ऐसे डिफरेंट जगह जो है टाइम टू टाइम आपका बगुम कन्फ्रेंस कंडक्ट करता है। और जहाँ बगुम कन्फ्रेंस कंडक्ट किए हैं लिकावाली चौर के हर जगह जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इसी प्रकार का स्टेचू या बगुम लिन जहाँ पे बगुम के बारे कुछ डिस्क्रिप्शन है बगुम क्लैन के बारे बगुम के अंदर जितने भी क्लैन है उसके बारे। तो हमारा यहाँ लास्ट ईयर यानी कि 2022 में जब इंजीनियर गयुम पादू बगुम आओ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट थे और लुकन लिकर जो कि उसका सेक्रेटरी था तो लुक और हमारा जो राघव कोयू जो वो जो है उस समय असिस्टेंट सेक्रेटरी था तो उस समय और बहुत सारे लोग थे उस समय लास्ट ईयर यहाँ पे बहुत ही बड़ा बगुम आओ फाउंडेशन दे यहाँ पे ये किया था। यहाँ पे बगुम आओ का जो कन्फ्रेंस था बगुम बान कबा हुआ था तो लास्ट ईयर हमने ये स्ट्रक्चर करा किया यहाँ पे बगुम स्टेचू कम या जेनियोलॉजी और बाकी बगुम के बारे में पिलार में लिखा हुआ है। तो आज उसका एक पहला वर्षगांठ है ये इस मूर्ति का और बगुम फाउंडेशन का 35th ये एनिवर्सरी है तो हम लोग आज उसी को यहाँ पे मना रहे हैं। तो हम दारका का जो पादू है हम लोग सिर्फ नहीं है तो आलो के आसपास से भी कुछ हमारे बगुम भाई जो है टाउन में जो रिसाइडेड है वो भी आए हुए हैं तो उसी प्रकार आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं दारका पादू वेलफेयर सोसाइटी के एक्टिंग प्रेसिडेंट से भी दो शब्द सुनेंगे। थैंक यू एडवोकेट डोमिनेट डायरेक्टर अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। तो आज हम लोग यहाँ गैदर हुआ है मेरा सेक्रेटरी साहब ने अभी बताया तो ये साल हम लोग ये दिन जो है 17 जनवरी जो है हम लोग का बगुम आओ जितना बगुम 34 क्लान का जो है बहुत इम्पोर्टेंट डेज होता है तो हर साल हम लोग इसको मनाते हैं लेकिन अभी दारका में लास्ट टाइम हम लोग 2022 में हम लोग यहाँ इतना ग्रांड मैनर में सेलिब्रेशन हुआ था तो आज हम लोग का फर्स्ट मतलब सेकेंड मतलब ये है तो आज हमारा
आपने देखा होगा कितना मतलब हमारा दारका में कितना बोगुम मतलब हमारा क्लान है, क्लान मेंबर है, इतना चाहने वाला है और हम मनाते हैं। ये देखो मेरा बरसों से मेरा माँ पिताजी मेरा दादाजी टाइम इमेमोरियल से मेरा जितना मेरा गुजर गया है वो मेरा हमारा हमको रास्ता देखा के गया है। इसको मानते हुए ने आज मैंने ये लास्ट ईयर से नहीं 1988 से हम लोग 35 ईयर्स बैक से हम लोग लिकाबाली में हम लोग फाउंडर मेंबर है। तो हम लोग कोई आज का दिन में हम लोग ऐसा ये दूसरा पार्टी में जाने वाला नहीं है। हम लोग का जो है हम लोग फाउंडर मेंबर है। 1988 में भी हम लोग का इतना दारका से पादू जो है इतना एग्जीक्यूटिव मेंबर में है तो उसको मानते हुए और मेरा बरसों से एकदम टाइम इमेमोरियल से हमारा जितना दादाजी है जो गुजर गया है इस दुनिया में नहीं है तो वो हमारा बोगुम बन के निकला था। तो उसको हम लोग आज मतलब जितना भी है आज उसको मानते हुए हम लोग ये हम लोग आज का दिन को इतना इम्पोर्टेंट मतलब ये इम्पोर्टेंट है मेरा दादाजी ने मेरा जितना माँ जितना गुजर गया उसको दिखाते हुए हम लोग आज ये सेलिब्रेशन को मन आगे आने वाला फ्री है मेरा बच्चा होगा मेरा यंग जनरेशन होगा ये दिन को मनाना है ऐसा एकदम खुशी से मनाना है क्योंकि ये तो लाइफ में ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। तो आज तो देखा होगा आपने देखा होगा कितना यहाँ इतना मतलब ग्रैंड मैनर में सेलिब्रेशन हो रहा है। तो थैंक यू। तो डॉक्टर साहब आपसे मैं दो और एक दो बातें जानना चाहूँगा। जैसे आपका प्रेसिडेंट सर कहा है ये आप लोग पादू जो है बोगुमाओ फाउंडेशन का फाउंडर मेंबर है तो बरसों से जो है आप लोग बोगुमाओ होते आया है बोगुमाओ ही है इनका कहना है। और तो, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगा गांव में जैसे कि मैं खुद भी दारका का हूँ तो आपका पादू में भी कुछ सेक्शन ऑफ पादू जो है बोगुम को नहीं मानता है तो आप लोग कुछ सेक्शन ऑफ पादू जो है बोगुम को मानता है तो लेकिन इसमें जो है देखने वाला भी कन्फ्यूज रहता है क्योंकि कौन सा पादू बोगुम है कौन सा पादू बोगुम नहीं है इसमें आपका क्या कहना है? ऐसा है कि हम लोग का जो अभी मान लो कोई ये कहता है कोई पादू खास करके मैं दूसरा जैसे कि दूसरा एरिया में जो पादू है जैसे उसके बारे में नहीं जानता हूँ लेकिन दारका का जो भी पादू है वो लोग भी जो आज ये कहता होगा कि मैं बोगुम नहीं है उसका दिल में बाय हिज हर्ट वो भी जानता है हमारा फुरकों से जब से हम लोग अपने आप को जाना है वी आर आइडेंटिफाइड एज बोगुम। हम लोग पहले भी बोगुम था कल आज भी बोगुम है और हमेशा के लिए बोगुम रहेगा क्योंकि हम लोग बोगुम का डिसेंडेंट है। ये ऐसा चीज़ नहीं है कि जब चाहे आप उतार के फेंक देगा आपका कोई पर्सनल रीज़न होगा आपका कोई दिक्कत होगा तो आप उसको अपना जो जेन्योलॉजी है अपना जो पूर्वज का जो कहानी है आप उसको उतार के कहीं रख देगा फेंक देगा अपना हिसाब से ऐसा नहीं होता है। तो अगर किसी को ये भ्रम है कि दारका पादू में कुछ कन्फ्यूज़न है क्या है वो आदमी खुद कन्फ्यूज होगा लेकिन हमारा जो दारका पादू वेलफेयर सोसाइटी हम लोग जो है हमारा स्टैंड क्लियर है एक आदमी हो दो आदमी हो हज़ार आदमी हो हम लोग दारका पादू जो है सिंस टाइम इमेमोरियल हम लोग बोगुम है हम लोग का कोई दूसरा और कोई आइडेंटिटी नहीं है देन हम लोग पादू है। तो हम लोग का तानी से लेके बोगुम तक बोगुम से लेके पादू तक पादू से लेके आज का जनरेशन तक हम लोग बोगुम था बोगुम है और बोगुम रहेगा। इसमें अगर कोई दारका में का किसी कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि वो बोगुम नहीं है दारका का पद वो गलत कहता है। हम उनसे अनुरोध करते हैं अगर ऐसा भी कोई शख्स है तो हम उनसे अनुरोध करते हैं आप किसी भी कारणवश और किसी भी आपको कोई भी कारण से अगर आप ऐसा स्टैंड अगर आप ले रहे हैं तो आप भी कम से कम इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और हमारा जो बाप दादा जैसे रहा है उसको रेट्रोस्पेक्ट कीजिए और अपने आप को आइए एक साथ चलते हैं जैसे हम लोग का कहानी है जैसे हमारा बाप दादा हमारे पुरखों ने जैसे बताया है हम उसका हिसाब से रहेंगे। हम किसी के नया चीज़ नयापन जो है अपने हिसाब से हम लोग कोई भी चीज़ इसमें हम लोग ले के नहीं आ सकते हैं।
तो ये हर किसी को जानना चाहिए और आने वाला जो हमारा जनरेशन है उसको भी ये जानना चाहिए। तो हम लोग आज भी ये उम्मीद करते हैं, अगर कोई बुला बतका हुआ, अगर कोई ये राह छोड़ना भी चाहता है तो भी वो दो बार सोच ले, वो अपने आप को भी इंट्रोस्पेक्ट करे। और हम पहले भी, बाकी को मुझे पता नहीं है, दारका का जो भी पादू है वी आर ऑल ब्लड रिलेटिव, हम लोग एक ही फैमिली का है, तो हम लोग दूसरा अलग नहीं हो सकते। हम लोग बोगुम था, बोगुम है और बोगुम ही रहेगा और बोगुम ही रहना चाहिए अगर कोई नहीं है तो। सर जैसे कि सबको पता है गालो जो है अरुणाचल प्रदेश का टोर्स बियरर रहा है हमेशा से, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर जितने भी है गालो उनमें से बहुत है, और गालो जितने भी गालो पे गालो बस्ती है, गांव है, उनमें से दारका एक ऐसा बस्ती है जहां में जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर्स जो है बहुत सारा निकला है, और उस दारका में से अत को भी इंक्लूडिंग अत पादू एक ऐसा जाति है जो एक जानकार लोग में से आता है, जैसे डॉक्टर तजुम पादू रहा, गामलू पादू रहा, गयुम पादू, और ना जाने बहुत सारा पादू है जो हमारे समाज में, न्याजुम पादू है, बहुत सारा पादू है जो हमारे अरुणाचल को जो है सर्व किया है। तो जैसे कि हम सबको पता है इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, तो यहाँ में आप किसी भी धर्म को मानना आपका राइट है, लेकिन आपका बाई बाईचा जो अपनी जो क्लान जो है इसको किसी भी मोड़ पे आप नहीं बदल सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो आपका यहाँ में हम देख रहा है पादू में एक ही फैमिली से भाई जो है, एक भाई बहुम में चला गया, एक भाई जो है बहुम को नहीं मानता है, तो पिताजी बहुम को नहीं मानता है, बच्चा बहुम को मानता है, कोई कोई ऐसे है, आप बुरा मत माने, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, पहले आपका जो स्टेटमेंट है कोई बहुम में चला गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, आप रॉन्ग है, आप गलत पूछा है, कोई बोगुम में नहीं गया, हम लोग बोगुम था, बोगुम है और बोगुम ही रहेगा, लेकिन कोई बोगुम चोर के जा रहा है कहीं जी। तो अगर कोई बोगुम चोर के जा रहा है तो वो किसी कारणवश जा रहा होगा, उसका अपना, क्योंकि हम लोग एक ही परिवार का, हम लोग एक दूसरे के ऊपर चीता कच्ची करना नहीं चाहता है पब्लिक में, इसलिए हम लोग चुपचाप रहता है, क्योंकि ये आप दारका का है, दारका का जो भी आदमी है बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, अगर कोई बोगुम चोर के जा रहा है कहीं और, कहाँ जा रहा है हमको पता नहीं है, कहीं और जा रहा है, तो वो जो है वो गलत है, वो नहीं जाना चाहिए। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है आदमी का, जैसे अगर हम पावरफुल हैं या हम कोई, मेरा दिल में टेस्ट लगाए, ईगो लगाया है, तो मेरा भैया का साथ मेरा डिफरेंसेस है किसी के साथ, कोई कोई आदमी जो है इसमें समाज में ऐसा होता है, जो गलत चीज़ है उसको एक दो आदमी, कोई एक दो इन्फ्लुएंशियल आदमी जो है समाज को मिसलीड भी करता है, तो शायद हमारा ये में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं, मतलब आफ्टर ऑल इट विल बी ट्रूइज्म जो कि विक्ट्री होगा, जो ट्रायम्प, ट्रूइज्म विल ऑलवेज ट्रायम्प, ये आप याद रखिए, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज, हमारा कास्ट कस्टम, हम कोई लोग वी आर गुनु गालो कल्चर, गालो ट्रेडिशन, देयर वाई इट इज़ ए बोगुम कल्चर, बोगुम ट्रेडिशन, गुन जैसे गुन कब चीज़ हम लोग जो है वी डोंट एक्सपेक्ट दैट, मतलब दूसरा चीज़ कैसा करके आप अचानक से आपका ये में, ऑफकोर्स हम लोग इसमें जो हमारा दूसरा जो ये है हमारा कोई भी दूसरा ये से, दूसरा ट्राइब या दूसरा कम्युनिटी से हम लोग को कोई गिला सिखवा नहीं है, हम लोग हर किसी का साथ अच्छा रहना चाहता है, लेकिन हम लोग किसे, लेकिन हम लोग अपना पादू का अंदर जो गलत कर रहा है, जो अपना किसी का इन्फ्लुएंस में, अगर वो, अगर हम लोग का बाप दादा का, हम लोग का पुरखों का कहानी अगर छोड़ना चाहता है, हम लोग का कस्टम छोड़ना चाहता है, हम लोग का ट्रेडिशन को अगर वो नहीं मान रहा है, डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, तो वो दोबारा ज़रूर सोचना चाहिए, वो गलत कर रहा है, क्योंकि आपका जो जेनेसिस है, आपका जेनेसिस आपका ये को, कस्टम को, आपका ट्रेडिशन को, आपका कल्चर को जो है डिटरमाइन करता है। तो आप जैसे आप कोई भी चीज़ जस्ट अपना विल, अपना ये से विम्स एंड फैंसी में आप कोई भी चीज़ एडॉप्ट नहीं कर सकता है, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम आज भी उम्मीद करते हैं कि जो गलत रास्ते पे है वो ज़रूर सही रास्ता पे आ जाएगा, और हर किसी को भी अगर, क्योंकि ये चीज़ जो है आज
बोगुमदे है, अच्छा दिन है, हम लोग कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ जो है बोलना नहीं चाहता है, और ये नहीं चाहता है कि कोई मेरा अपना खून जो है हमसे रूठे रहे, ये भी हम नहीं चाहता है। तो लेकिन एक चीज़ फैक्ट है, मतलब जो टूरिज्म है आप उसको कभी रोक नहीं सकता है, वो कभी ना कभी जरूर। अभी जैसे हम लोग भी, आपको पता होगा कि आपको ऐसे ही बता रहा है, ऐसे तोरा तो डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने बताया 1988 में हम लोग बोगुम फाउंडर मेंबर है दरका पादू जो है, देर वेर मतलब सब बोगुम क्लैन वहाँ लिखा वाली नहीं पहुँचा था, जो भी पहुँचा है उसमें से पादू एक क्लैन था। उसके बाद जो है इसका रजिस्ट्रेशन हुआ बोगुमा फाउंडेशन का 2002 में, जिसका जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो वोमेन विंग का सेक्रेटरी हमारा पादू था, और वहाँ पे जो पैट्रन मेंबर्स, एडवाइज़र, कोऑर्डिनेटर मिला के हमारा कम से कम 12 मेंबर्स जब बोगुम आओ फाउंडेशन को जब ये किया गया, रजिस्ट्रेशन किया गया, उसमें रजिस्ट्रेशन जब आप करता है आपको बायलो के साथ वो आपका देना पड़ता है। तो कौन आपका जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है या एडवाइज़र पैट्रन सबका लिस्ट देना पड़ता है, तो उसमें जो है हमारा 12 मेंबर्स है, और उसको छोड़िए जैसे हमारा जो हम लोग का गालों में जो प्रैक्टिस होता है, जो बाई बाई का अंदर होता है, जैसे जैसे हम लोग का न्याम बमिन ही नाम आई हितु हितु हिमा लाजदा आई ओक, जैसे गुनुक अलग क्लैन आ रहा जैसे पोया बो आई क्यो जी पी डी लियोट में, हम लोग का ये जो प्रैक्टिस जो है हम लोग का बोगुम ओइडिन बोगुम क्लैन जो हमारा नियर बाई में रहता है, हम लोग मतलब सदियों से प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब सिंस सेंचुरीज आई। तो आज आप जस्ट विद इन 10-20 ईयर्स का 30 ईयर्स का कहानी बोल के आप उसको दिवीन नहीं कर सकता है। हम अपना पूर्वज का ऊपर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, हमारा पूर्वज ने जो किया उसके ऊपर जो भी सवाल करता है वो गलत है। और आज अगर हम लोग अपना नया अगर भाई कोई मिल जाता है तो अच्छा है, लेकिन वो भाई अगर हमको गलत रास्ता में ले जाता है, आपको हमारा पुरखों का कहानी को अगर चेंज कर देता है, तो वो भाई को भी हम प्लीज, तब तो आप अपना जो कहानी के साथ आप रहिए, हमको अपने कहानी के साथ रहने दीजिए, यही होना चाहिए आदमी का। तो हम फिर से अपील करता है, अगर किसी कोई भी अगर इस गलत पैपी में है कि मतलब दरका पादू क्यों ऐसा है क्या है, आप लोग कुछ भी मत सोचिए, दरका पादू वेर ऑलवेज बोगुम एंड इज बोगुम एंड विल रिमेन बोगुम फॉर एवर। दिस इज द ओनली लाइन आई वुड लाइक टू अटर अगेन एंड अगेन। एंड जस्टिफिकेशन अगर आप आज का दिन नहीं होके दूसरा दिन होता तो वैसे आपको बहुत लंबा चौड़ा से विस्तार से हम लोग बात करना था, आज टाइम भी शॉर्ट है, तो बहुत अच्छा है आप कम से कम इस दिन इस बारिश में आप आया है हम लोग को मिलने के लिए, तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, मेरा सेक्रेटरी साहब ने अभी कहा ये फर्स्ट एवर बोगुम कॉन्फ्रेंस जो 1988 में लिकावाली में हुआ, तो लिकावाली में जब हुआ तो पादू वहाँ का फाउंडर मेंबर था, और कई सोर्सों से, कई रिलायबल सोर्स से सुनने मिला है कि हम लोग को पादू को वहाँ बोगुम नहीं माना है बोल के, ये तो बिल्कुल गलत है। और 1988 में जब लिकावाली में कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पादू का 2 मेंबर प्रेजेंट था, और वहाँ का ड्राफ्टिंग चेयरमैन मेरा डॉक्टर तजुम पादू था, और 2 मेंबर में दारका से जो 2 मेंबर गया है, एक को ऑडिटर का दौर पे पोस्ट दिया गया था। तो ये कभी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब पादू बोगुम नहीं है तो पोर्टफोलियो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हम लोग बरसों से एकदम फाउंडर मेंबर है, हम लोग आज का बोगुम नहीं है, वो तो 1988 में फर्स्ट एवर हुआ, लेकिन उससे पहले भी हमारा बुजुर्ग, हमारा एंसेस्टर, मेरा जितना दादाजी थे वो हमारा बोगुम ही रहा। तो आज भी हम लोग बोगुम है, और इसमें 2 शब्द नहीं है, हम लोग बोगुम ही रहेगा। और आज का दिन को हम लोग, जब तक हम लोग इस दुनिया में हम लोग रहेगा और मेरा बच्चा रहेगा, पादू रहेगा, आज का दिन को हम लोग बोगुम डे में मनाया जाएगा, और आने वाला साल में मनाया जाएगा, आने वाला वर्षों में। तो इसमें कोई 2 शब्द नहीं है, कोई अगर पर्सनल इंटरेस्ट में
कोई अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट में हम बोगुम नहीं है बोलता है। 2002 को जब मेरा सेक्रेटरी साहब ने कहा, 2002 को जब हम लोग का बोगुम का जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने शुरू हुआ, कारण रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उसमें 12 जन थे। 12 जन में आज का दिन में हम लोग का कोई मेंबर नहीं है, तब भी ये तो ऐसा डॉक्यूमेंट्स कभी गायब नहीं होगा। मैंने हम जूद बोल सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स कभी गायब नहीं होगा। तो हम लोग बोगुम है, बोगुम रहना चाहिए। और जो आज का दिन में जो गलत रास्ता में है, इनको भी हम खराब नहीं मानते हैं। दो बार चौसे और हमारा साथ चले, हम लोग बोगुमी है, हम लोग गालो है, हम लोग का ट्रेडिशन, हम लोग कभी बरसों में हम लोग का कोई प्रैक्टिस नहीं था, हम लोग मिन्योंग है बोल के। कभी हम लोग का माँ पिताजी मेटून और ये गावरी वगैरह को कभी ये पासी देने का कल्चर तो हम लोग का नहीं था, ट्रेडिशन नहीं था। तो हम लोग गालो है, गालो ही रहेगा, गालो ही रहना है, ये मेरा मानना है। थैंक यू।